उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट का अनुमान। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में ना जाने की सलाह। और गुरुवार को केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान, तो लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत, मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। खासतौर से अगर बात की जाए अगले 4 से 5 दिनों की, तो उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर आपको बता दें गुरुवार को तेज हवाएं चलने की संभावना है। लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन हवाओं की रफ्तार 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। केरल की अगर बात करें तो गुरुवार को यहां भी कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के अनुमान की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन असम और मेघालय में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार को झारखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को बिहार और ओडिशा में बारिश का अंदेशा नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी इक्का-दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में भी इक्का-दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही गुरुवार को रायलसीमा में इक्का-दुक्का जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी इक्का-दुक्का जगह बारिश हो सकती है। साथ ही गुरुवार को दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी गुरुवार को कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है।
और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात की जाए दक्षिण भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं भारी बारिश हुई। केरल में भी कदुक्का जगह भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में भी कदुक्का जगह बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा में भी अनेक जगहों पर बारिश हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। बात की जाए लक्षद्वीप की तो यहां भी कई स्थानों पर बारिश हुई। तेज हवाओं की अगर बात करें तो केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। वहीं हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं मध्यम कोहरा रहा। और आइए अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की, क्या स्थिति रही अधिकतम तापमान की अलग अलग हिस्सों में, ये आपको बता दें। ओडिशा की अगर बात करें तो यहां पर इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ की अगर बात करें तो कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके अलावा असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। साथ ही पंजाब हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान कोंकण गोवा के बेंगुल्ला में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 37.7 डिग्री सेल्सियस। और आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी, क्या स्थिति रही अलग अलग राज्यों में, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ जगह तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही मराठवाड़ा में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई स्थानों पर यहां भी तापमान की यही स्थिति नजर आई। इसके अलावा विदर्भ में भी आप देख सकते हैं यहां पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। इस बीच आपको बता दें देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज किया गया। यहां तापमान रहा 8.3 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए बात करते हैं खासतौर से रबी फसलों की बुआई और उनकी रोपाई को लेकर, क्योंकि अभी का जो समय है इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की अगर बात की जाए तो ऐसे में जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, इन क्षेत्रों के लिए कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं, आइए जानते हैं। कोंकण के किसान इस समय रबी मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां सरसों, कुलथी, लोबिया, सूरजमुखी और तरबूज की बुआई जारी रखें। इसके अलावा कोंकण के किसान तैयार धान की कटाई करते रहें। कोंकण में ही इस समय आम में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहीं जिन किसानों ने आम के नए बाग लगाए हैं वे बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी ज्वार, कुसुम, काबुली चना, चना, मक्का और गेहूं की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहां गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी धान और रागी की कटाई करें, साथ ही कपास की चुनाई भी किसान करते रहें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय यहां मटर की बुआई भी कर सकते हैं। यहीं ज्वार में निराई का काम किसान कर सकते हैं। मराठवाड़ा में कपास की चुनाई करते रहें। इसके अलावा यहां चना, कुसुम की बुआई और गन्ने की रोपाई जारी रखें। यहीं अंगूर की बेलों और सब्जियों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में इस समय केले में रोग के लगने की संभावना है, बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर दवा का छिड़काव कर सकते हैं। विदर्भ के किसान इस समय तैयार धान की कटाई और कपास की चुनाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ गेहूं, चना, अलसी और सरसों की बुआई करते रहें। यही खरीफ अरहर और रबी चने में सिंचाई करें। इसके अलावा अगेती चना और कुसुम में निराई भी कर लें। विदर्भ में ही किसान प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के किसान इस समय पालक, मेथी, मूली, गाजर, सेम और परवल की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी विदर्भ में इस समय अरहर की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं अलसी की। जी हाँ, तिलहनी फसलों में अलसी का अपना अलग महत्व है। इसकी खेती खासतौर से उत्तर और मध्य भारत में की जाती है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है, इस तेल से साबुन भी बनाया जाता है। साथ ही अलसी के पौधे से रेशा निकाला जाता है जो कपड़े और अच्छी गुणवत्ता का पेपर बनाने के लिए भी काम आता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं और आपको इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। अलसी की बुआई के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। मटियार भूमि में इसकी अच्छी उपज होती है। दोमट और चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। एक हेक्टेयर खेत के लिए 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एक हाथ से कुछ कम और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी आधे हाथ से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अलसी की बुआई आमतौर पर असिंचित दशा में करते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां दो सिंचाई की जाती है, पहली फूल आने पर और दूसरी दाना बनते समय। दूसरी सिंचाई उपज बढ़ाने में सहायक है। अलसी में रबी सीजन के तमाम खरपतवार उगने की आशंका रहती है। इन पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बुआई के एक दो दिन बाद ही छिड़काव कर देने से खरपतवार उगने की संभावना कम हो जाती है। जहां तक रोगों का सवाल है तो अलसी में अल्टरनेरिया झुलसा, रतुआ या गेरोई के अलावा उकठा या बुकनी रोग लग सकते हैं। ऐसे में रोग रहित प्रजातियों का चुनाव करेंगे तो बीमारियों से काफी हद तक बचाव अपने आप हो सकता है। पूरी तरह पकने के बाद ही फसल काटें और तुरंत बाद मड़ाई कर लें ताकि बीजों को नुकसान ना हो।
तो जाना आपने अलसी की खेती आप कैसे कर सकते हैं सफलतापूर्वक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में किसान सरसों की बुआई फिलहाल जारी रखें। सरसों में ऊसा जय किसान, ऊसा बोल्ड, बून, वरुण और क्रांति जैसी किस्में आप लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर, बैंगन और मिर्च की आप नर्सरी लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही केला लगाने के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान तैयार धान की कटाई इस वक्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां किसान गेहूं लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ऊपरी इलाके में खरीफ फसलों की कटाई किसान कर लें। साथ ही यहां पर खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद खेतों की जुताई आप कर सकते हैं। जुताई के बाद तोरिया, सरसों, चना, लहसुन, मटर और आलू की फसलें आप लगा सकते हैं। बुआई से पहले किसान बीजोपचार जरूर करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र की तो यहां पर किसान गेहूं की बुआई फिलहाल जारी रखें। झाबुआ में मेथी, पालक, सरसों, धनिया और शलजम की उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाट इलाके में काबुली चने की किसान बुआई कर सकते हैं। निमाड़ घाट इलाके में ही अरहर की फसल को किसान कीटों से जरूर बचाएं। वहीं मालवा के पठारी इलाकों में अगेती मटर की बुआई के लिए समय अनुकूल है। मटर में यहाँ के किसान पूसा प्रगति जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। मटर की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। मालवा के पठारी इलाकों में मेड़ों पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और फूलगोभी की रोपाई आप कर सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में काबुली चना, धनिया और लहसुन की बुआई आप कर सकते हैं। साथ ही यहां पर सब्जी और फलों के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। और आइए अब आपको बताते हैं अगले दो दिन क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। सबसे पहले बात अगर की जाए खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत की तो यहां पर न्यूनतम तापमान में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 2 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना है। लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी आपको बता दें तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन हवाओं की रफ्तार 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। गुरुवार को केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अनुमान है।
इसके साथ ही गुरुवार को ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा, अब चलिए नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में तापमान पर। तो जाना आपने तापमान, तेज हवाओं और बारिश का हाल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।